डीपीसी गर्ने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों ने मंगलवार को अपने कामकाज को ठप करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से मांग करते हुए कहा उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल आरएसपुरा जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों ने सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने कामकाज को ठप रखा और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि आज जम्मू संभाग के 10 जिलों में कर्मचारियों द्वारा मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बात नहीं है, जब एक बॉर्डर पे फायरिंग होती है उस वक्त भी जो हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो सबसे आगे होता है। कोविड के दौरान भी हमारे जो मेडिकल स्टाफ है इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है, और जब हम ऐसी स्थिति में जो लोगों की सेवा के लिए आगे आते हैं, जब हम अपने डिमांड्स को लेकर सरकार के सामने जाते हैं तो हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, धरने रखने पड़ते हैं। सरकार हमारी जो हमारे जैसे बहन जी ने कहा जो हमारी मुख्य डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, इन पर सरकार जो है वो पूरी तरह से पूरी गौरतलब नहीं कर रही है, इसको इग्नोर कर रही है, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट एसेंशियल डिपार्टमेंट है हर तरह से की स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन हमारी डिमांड्स को लेकर जो जेन्युइन डिमांड है सरकार को चाहिए डिमांड्स को पूरा किया जाए ताकि हम भी एक स्मूथली इसी तरह से निस्वार्थ लोगों की सेवा कर सके। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।